अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर हमें बता दें, हमारे जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकला था, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, वो कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि सर हमारे जो मार्क्स आए वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मार्क्स आए हैं, हमारी जो परसेंटेज है वो बहुत ख़राब आई है। और आजकल एक न्यूज़ भी गर्दिश चल रही है कि आपके मार्क्स को इंक्रीज़ किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। तो उसके बारे में मैंने वैसे तो अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर और अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मैंने बता दिया था एक वॉइस नोट सेंड करके, और जो स्टूडेंट अभी ऐड नहीं है वो ऐड भी हो सकते हैं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको वहां पे भी मिल जाए करे पहले ही, ठीक है। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है जिसके अंदर आपको टारगेट पेपर, गैस पेपर, प्रीलिम पेपर, नोट्स, न्यू बुक्स के, ठीक है, ये तमाम मटेरियल और साथ साथ डिफरेंट कॉलेज के पेपर्स, कोचिंग्स के पेपर्स अगर आपको एक ही जगह चाहिए तो मेरे आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आपके पास मेरा नंबर शेयर हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सिर्फ एक दफ़ा उसकी पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा स्टूडेंट, वो फ्री होगा। तो आपके पास नंबर शेयर हुआ होगा, उसमें मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि आप किस तरीके से उसमें ऐड हो सकते हो। मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बार बार कह रहे हैं कि सर आप अपलोड कर दें वीडियोस या फिर कुछ बता दें इसके बारे में, इन्फॉर्म कर दें कि हमारे पास आगे हमें करना क्या है और हमारे मार्क्स वाकई में इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो स्टूडेंट्स के आपके जो मार्क्स थे, जो आपके मैट्रिक क्लास में कितने थे, 90% थी या फिर 95 भी किसी स्टूडेंट्स की परसेंटेज थी, उन स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ गए, 60% आ गए, 50% आ गए, बल्कि बहुत सारे पेपर्स में क्या कर दिया गया, उन्हें फेल कर दिया गया। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमने बहुत अच्छे पेपर्स दिए थे, हमने कोशिश की थी, हमारे पास जो 80 हमने एस्टिमेटेड किया था वो हमारे पास जो रिजल्ट आया है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास 50 या फिर हमारे पास उससे भी ज़्यादा कम नंबर्स, यानी मुझे हमें क्या कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है, ठीक है। जब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगी और रिजल्ट की रेशो भी देखा गया कि 60% स्टूडेंट प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर फेल हो गए, तो फिर स्टूडेंट्स ने क्या करा, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और वो क्या करने लगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, क्योंकि आपको मालूम था कि बोर्ड के तरफ से जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज का काफ़ी ज़्यादा फर्क आ रहा था। तो जब स्टूडेंट्स ने इसको प्रोटेस्ट किया और साथ साथ न्यूज़ में भी ये न्यूज़ चली और साथ साथ उन्होंने भी क्या करा, इस बारे में आपको आगाही प्रोवाइड की, जिसकी बेसिस पे क्या हुआ कि फिर इसकी तहकीकात स्टार्ट हुई, ठीक है। जब इसकी तहकीकात स्टार्ट हुई बोर्ड की तरफ से, तभी आपके कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी दिनों से मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि सर हमारे रिजल्ट की अनाउंसमेंट क्यों नहीं की जा रही, जस्ट इस वजह से की जा रही है क्योंकि जब इसकी तहकीकात की गई, इंक्वायरीज की गई, तो पता चला कि बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा बेजाबतियाँ हुई गई, मतलब कि आपके रिजल्ट के साथ कुछ आगे पीछे किया गया या फिर कुछ रड्डो बदल किया गया, इस तरह की न्यूज़ आपको मिली रही होगी और इस तरह की न्यूज़ की वेरिफिकेशंस भी हो रही थी, ठीक है, कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हमारे केयर टेकर्स चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि आपके जो बोर्ड की तरफ से जो रिजल्ट का रेशो आया है उसकी क्या की जाए, तहकीकात की जाए। जब वो तहकीकात की गई तो उसमें क्या हुआ कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बताया गया कि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम है, लाइक आपके जो पिछले साल का रिजल्ट आया था उसमें भी कुछ चेंजेस की गई थी और इस साल का भी जो रिजल्ट आया अकॉर्डिंग टू उनके, ठीक है, मैं अपने मतलब से नहीं बात कर रहा, ये जिस तरह के जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जस्ट बता रहा हूँ कि आगे आपको करना क्या और आपके नंबर्स किस तरीके से इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, जस्ट इसके बारे में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जब तहकीकात की गई तो ये पता चला कि उन तमाम रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा क्या की गई है, गलतियां हुई हैं, ठीक है, या फिर चेकिंग में गलतियां हुई हैं या फिर रिजल्ट के अनाउंसमेंट में गलती हुई है या फिर किसी सिस्टम का फॉल्ट हुआ है उसके अंदर, जिसके बेसिस पर क्या हुआ आपके रिजल्ट खराब आ चुके हैं, ठीक है। तो फिर जो गवर्नर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि जो ये रिज़ल्ट आया है उसमें बाकायदगी तौर पे क्या कहा गया है कि ये गलत रिज़ल्ट है, ठीक है, और इसमें क्या किया जाए, स्टूडेंट के नंबर को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो अभी तकरीबन 2 दिन से जो आपके पास न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, तो उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि ये जो रिज़ल्ट हैं उसमें थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, जिस बेसिस पे स्टूडेंट्स के क्या किया जाएंगे, मार्क्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को इंक्रीज़ किए जाएंगे,
अगर इंक्रीज किए जाएंगे तो कितना परसेंट इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स हो गया, आपके पास मैथमेटिक्स हो गए, ठीक है, केमिस्ट्री हो गए, जूलॉजी बॉटनी हो गए, ठीक है, इन तमाम सब्जेक्ट्स के क्या किए जा रहे हैं, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के नोटिफिकेशन को जारी भी कर दिया गया है कि मैथमेटिक्स में आपके 15 मार्क्स को इंक्रीज किया जाएगा, साथ साथ फिजिक्स में आपके पास 12, उसी तरह से बायोलॉजी के, बॉटनी और जूलॉजी में भी स्टूडेंट्स 6-6 मार्क्स को इंक्रीज किया जाएगा, जिन स्टूडेंट्स के क्या है मार्क्स कम है, या बल्कि तमाम स्टूडेंट्स की ही बात की गई है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि आपके अगर सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को इंक्रीज कर दिए जाएंगे तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा, रिजल्ट बस क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाएंगी, जिनकी अच्छी परसेंटेज होगी उनकी और अच्छी हो जाएगी, और जिनके कम है उनके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, या फिर जो फेल हैं वो पास हो जाएंगे, इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन ये है कि तमाम स्टूडेंट्स की शायद इस दफा ना की जाए, मतलब इंक्रीज नहीं की जाए, बल्कि क्या किया जाएगा, जिन स्टूडेंट्स ने स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट किया था शायद उन स्टूडेंट्स की जाए। क्यों, इसलिए मुझे अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं बता सकता, लेकिन जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि लाइक इसलिए सिर्फ स्क्रूटनी वाले स्टूडेंट की जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि कराची बोर्ड में काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर फिर उन दोबारा स्टूडेंट्स के नंबर्स को इंक्रीज करके दोबारा से मार्कशीट को जनरेट किया जाए, आपको प्रोवाइड किया जाए, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो उन स्टूडेंट्स के ही किए जाएंगे शायद, जिन स्टूडेंट्स के क्या हैं, जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट किया। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे कि स्क्रूटनी जो फॉर्म है उसकी डेट क्या है, तो डेट वैसे तो जा चुकी है प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के, तो फिलहाल डेट निकल चुकी है, और जितने स्टूडेंट्स ने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया था, हो सकता है कि उनके मार्क्स को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तभी मैं आपको इससे अपने प्रीवियस वीडियो में कहता था कि आप जाके उसे चेक कर लें और एक दफा स्क्रूटनी फॉर्म को फिल कर लें, इसमें क्या होगा, आपका नंबर अगर इंक्रीज होना होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपको एज इट इज वही नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट किए हैं उनके बहुत ज्यादा हाईली चांसेस कि उनके परसेंटेज को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन यह कहना भी मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कि तमाम स्टूडेंट्स का नहीं किया जाए, देखें यहां पर जो फैसला होता है उसमें थोड़ा सा ताखीर होता है, ठीक है, याद रखना ये जो फैसला किया ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, जो आपके पास निगरा सेटअप है उन्होंने क्या किया है इसके ऊपर अनाउंसमेंट किया और इसके बारे में बोला है। अब वो अब इलेक्शन हो चुके हैं और वो 14 से 15 दिन बाद उनके जो सेटअप है वो खत्म होने के बाद एक नई हुकूमत आएगी। अब वो नई हुकूमत उस फैसले को जारी रखती है या फिर उसे खत्म कर देती है या फिर अपना नया फैसला लेकर आती है, वो वक्त पर ही डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आपको फिलहाल अभी तो जस्ट इंतजार करना है और आपने वेट करना है अपने मार्कशीट के बारे में, क्या पता आपके क्या हो जाए, मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाए या फिर जो स्क्रूटनी फॉर्म वाले स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स को इंक्रीज किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो वैसे तो सबको करने से भी कोई फ़ायदा ऐसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वही परसेंटेज सबकी भर जाएगी, ठीक है, तो ये कोई फ़ायदा की बात भी नहीं है। हाँ, अगर स्क्रूटनी जिस बच्चों ने करवाया है वो क्या करेंगे, वो चेक करवाएंगे अपनी कॉपीज को, एक बार देखेंगे, काउंटिंग होगी, उसमें अगर इंक्रीज होता है तो उन स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। फिलहाल अभी कहना ये तमाम बात कबलज़ वक्त होगा, हम क्या करते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं अगली अनाउंसमेंट क्या होती है और आपके जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से इंक्रीज किया जाते हैं, ठीक है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन को अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल में को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैथमेटिक्स के तमाम कोर्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, सेकेंड ईयर की न्यू बुक के भी इंक्लूड है, तमाम टॉपिक्स इंक्लूड है, ठीक है, तमाम अपलोड है पर वो लॉजिक टुगेदर के अंदर, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हो। तो इंशाल्लाह आपसे न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।